सो सबसे पहले कांग्रेट्स टू सीएसके जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी पांचवी बार उठा लिया। सो अगर तुम सीएसके फैन हो या फिर अगर तुम धोनी के फैन हो, नीचे कमेंट में स्पैम कर दो और बता दो भाई कि हम लोगों ने ट्रॉफी जीत लिया है। सो कल हमें आईपीएल का फाइनल तो देखने को मिला ही, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी हुआ जो डीएचएच के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था। हमें इस बार के सीजन में आईपीएल का पहला मिड शो देखने को मिला जिसमें परफॉर्म किया विवियन डिवाइन ने। उसके साथ साथ कल आईपीएल के क्लोजिंग सेरेमनी में स्टार्ट में किंग ने भी परफॉर्म किया। सो तुम लोगों ने सुपर बोल हाफ टाइम शो के बारे में तो सुना ही होगा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली, उसमें रिहाना ने परफॉर्म किया था। उसके पहले हमें एमिनेम, डॉक्टर ड्रे, केंड्रिक लमार और स्नूप डॉग परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, और हर साल इसी तरह हमें कुछ बड़े सेलिब्रिटी वहां पे परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। सुपर बोल यूएसए का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है और उसके हाफ टाइम पे परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी डील मानी जाती है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। यहां तक कि जो भी आर्टिस्ट सुपर बोल हाफ टाइम शो में परफॉर्म करता है उसकी हाइप यहां से यहां पहुंच जाती है, उसके स्ट्रीम्स अचानक से ऊपर जाने लग जाते हैं, उनके एल्बम सेल्स पे वो इफेक्ट करता है, एंड इवन जो वो परफॉर्मेंस है उस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं। सो तुम लोग सोच रहे हो कि बात तो आईपीएल से स्टार्ट हुई थी, मैं अचानक से सुपर बोल में कहां घुस गया। देखो जैसे अमेरिका के लिए सुपर बोल है वैसे ही इंडिया के लिए आईपीएल है। आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग इवेंट इन द वर्ल्ड, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है आईपीएल। और अगर आईपीएल का मिड शो होता है तो उसकी हाइप और उसकी बज किस लेवल पे होगी। अभी तो ये पहला सीजन था, धीरे धीरे अगर ये कंटिन्यू होता है ना तो ये भी हो सकता है कि सुपर बोल हाफ टाइम शो के जैसे ही पॉपुलर हो जाए। तुम ये सोचो कल जब डिवाइन परफॉर्म कर रहे थे मिड शो में, 1,00,000 लोग तो उन्हें स्टेडियम से देख रहे थे और करोड़ों लोगों ने उन्हें टीवी पे देखा होगा। सोचो टीवी पे देसी हिप हॉप ट्रैक प्ले हो रहा था, और ऐसा नहीं कि डिवाइन ने कमर्शियल गाने प्ले किए, मतलब उन्होंने प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक भी प्ले किए अपने परफॉर्मेंस में। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बिग विन फॉर हिप हॉप। इसके साथ साथ किंग ने परफॉर्म किया ओपनिंग शो में जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, तो हम इन दोनों के बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आईपीएल की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी पे हम एक नजर डालेंगे, उसकी हिस्ट्री पे एक नजर डालेंगे कि कौन कौन से आर्टिस्ट ने अभी तक आईपीएल में परफॉर्म कर रखा है। तुम्हें कुछ वेस्टर्न रैपर भी देखने को मिल जाएंगे और कुछ इंडियन रैपर है जिन्होंने आईपीएल में परफॉर्म कर रखा है, ठीक है, शायद तुम्हें उसके बारे में आइडिया नहीं होगा। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगेन हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, फॉर श्योर को सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। काली रातों में जब कोई बच्चा रोता है उसकी माँ बोली चुप उसे खौफ मौत का है, परेशान पूरा गाँव सबको डर खौफ सा है, पति सारी बन माहौल खौफ सा है, माहौल खौफ का है, माहौल खौफ सा है, माहौल खौफ का है, माहौल खौफ सा है, तेरा भाई बोलता है बहुत सही बोलता है। सो आर्टिस्ट है प्रशांत जोशी और गाने का नाम है म्यूजिकल गैंगस्टर। सो भाई के साइड से हमें एक ट्रैक देखने को मिला है। देखो कुछ चीजें है ना, भाई ने एफर्ट बहुत अच्छा डाला है, ठीक है, तो उसके भाई पूरे मार्क्स है इस ट्रैक में, और मतलब ट्रैक बढ़िया है, ठीक है, बट भाई को अभी और भी इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। सो क्या बोलते हैं भाई को, बहुत सारी चीजें है उस पर काम करनी है, भाई के पास पोटेंशियल है, बट जो ट्रैक है ये और भी बेटर हो सकता है, और भी अच्छा हो सकता है। सो आई होप कि भाई सीखेंगे, अभी बढ़िया कर रहे हैं और भी बेटर करेंगे, ठीक है। सो एक बार तुम लोग, अगर तुम लोग को लगता है कि ट्रैक बढ़िया है, जरूर जा एक बार चेक करना, और अपने साइड से भी जो भी फीडबैक है, अगर तुम्हें लग रहा है भाई कहीं इंप्रूव कर सकते हो तुम वो बता सकते हो, तुम्हें लग रहा है भाई ने अच्छा काम किया तो भाई को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो सपोर्ट करो, ठीक है, ऐसे आर्टिस्ट सपोर्ट डिजर्व करते हैं, सपोर्ट तुम लोग करोगे तो ही इंप्रूवमेंट होगा भाई का, और भाई और भी आगे बढ़ेंगे। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डू चेक इट आउट और भाई को सपोर्ट करो। तो जैसे तुम लोगों को पता है कि आईपीएल का जो फाइनल है वो एक्चुअली होने वाला था संडे को, बट संडे को हो गई बारिश और पूरा जो मैच है वो रीशेड्यूल हो गया, मतलब जो रिजर्व डे था उसमें चला गया। सो एक चीज के लिए मैं सैड हुआ था कि भाई मैच देखने को नहीं मिला, हम मैच के लिए वेट कर रहे थे, और दूसरी चीज मुझे लग रहा था कि भाई डिवाइन और किंग का परफॉर्मेंस था, कहीं वो भी कैंसिल ना हो जाए। एक तरह से बढ़िया ही हुआ, क्योंकि अगर उस दिन मैच होता ना, ठीक है, अगर मान लो कि ओवर अगर डिक्रीज होके 10 ओवर के मैच हो जाते या फिर 5 ओवर का मैच हो जाता, तो शायद हमें ना ही किंग का परफॉर्मेंस देखने को मिलता, ना ही डिवाइन का मिड शो होता, क्योंकि उसे भी कट कर दिया जाता टाइम बचाने के लिए। सो एक चीज तो अच्छी हुई कि उस दिन जो है वो मैच का ओवर कट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें डिवाइन और किंग का परफॉर्मेंस अगले दिन देखने को मिल गया। सो हम लोग आ जाते हैं किंग के परफॉर्मेंस में। सो किंग का जो परफॉर्मेंस था वो हम लोग को मैच के ठीक स्टार्ट में देखने को मिला था।
स्टैंड्स में ही एक अलग सा स्टेज क्रिएट किया गया था, वहां पे किंग ने अपने कुछ सुपर हिट ट्रैक जैसे कि मान मेरी जान, तू आके देख ले परफॉर्म किया। सो मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप तो बिल्कुल भी प्ले नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है भाई, आईपीएल बहुत स्ट्रिक्ट है राइट्स को लेकर के, कॉपीराइट को लेकर के, ठीक है। लेकिन मैं कुछ फोटो क्लिप जरूर यहाँ पे तुम लोग के लिए अटैच कर दूंगा, इससे तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि स्टेडियम में क्राउड कैसा था और परफॉर्मेंस के टाइम पे जो वाइब थी ओवरऑल वो कैसी थी। सो किंग के परफॉर्मेंस क्लिप को आईपीएल ने ऑलरेडी शेयर किया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगर तुम किंग का परफॉर्मेंस का स्निपेट देखना चाहते हो, पूरा परफॉर्मेंस तो अपलोड नहीं हुआ है, बट अगेन अगर तुमने मिस कर दिया था, तुम स्निपेट देखना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना वहां से, और वहां से जाके तुम किंग का परफॉर्मेंस देख सकते हो। परफॉर्मेंस के बाद किंग ने इवन ट्विटर पे ट्वीट किया और ये बोला, बिगेस्ट विन फॉर अस, इंडिपेंडेंट म्यूजिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईपीएल हिस्ट्री। ओके, अब हम लोग चलते हैं डिवाइन के परफॉर्मेंस पे। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि डिवाइन ने मिड शो में परफॉर्म किया था, जब इनिंग्स ब्रेक हुई थी ना, चेन्नई की बैटिंग होने वाली थी, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी उस टाइम पे, उसी टाइम पे डिवाइन ने वहां पे परफॉर्म किया था। और डिवाइन ने स्टेज परफॉर्म नहीं किया था जहां पे किंग ने परफॉर्म किया था, डिवाइन ने ग्राउंड में परफॉर्म किया था और प्रॉपर सेट वेट क्रिएट किए गए थे, बैकग्राउंड डांसर्स थे डिवाइन के लिए और डिवाइन ने परफॉर्म किया, एंड इवन और जुनीता गांधी भी फीचर हुई थी डिवाइन के इस परफॉर्मेंस में। सो पहली चीज जो मैंने नोटिस की, बहुत ही ऑब्वियस है, अगर तुम लोगों ने रिहाना का सुपर बोल हाफ टाइम का परफॉर्मेंस देखा है ना, तो ये परफॉर्मेंस उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। इवन जो बैकग्राउंड डांसर्स थे उनके ड्रेस कॉस्ट्यूम भी सेम थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ भाई, ओरिजिनल करना था कुछ, बट स्टिल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहला मिड शो परफॉर्मेंस था तो ज्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर हम बात करें डिवाइन के परफॉर्मेंस की, ठीक है, डिवाइन किल्ड इट भाई, लिटरली किल्ड इट। उन्होंने अपने सुपर हिट ट्रैक्स परफॉर्म किए जैसे कि मेरी गली में, काम 25, ठीक है, और कोहिनूर, प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक, और अपना परफॉर्मेंस एंड किया बाजीगर के साथ। भाई लिटरली अगर तुम हिप हॉप सुनते हो, अगर तुम डिवाइन को फॉलो करते हो, भाई क्या मोमेंट था, गूज़बम्स आ गए थे लिटरली, और डिवाइन किल्ड इट इन ब्रीफ। इसके साथ साथ तुम लोगों को पता है कि कल 29th मई था, तो सिद्धू पाजी की डिमाइस भी हुई थी, और डिवाइन ने जैसे स्टेडियम में एंटर किया और उसके साथ ही सिद्धू पाजी को शाउट आउट दिया, एंड दैट वाज अ रियली गुड गेस्चर, जो भाई मतलब बढ़िया लगा, ठीक है, और ओवरऑल इट वाज रियली गुड परफॉर्मेंस एंड दिस वाज अ बिग विन फॉर DHH, फॉर इंडियन हिप हॉप। जैसे मैंने बताया था, 1,00,000 लोग स्टेडियम में, करोड़ों लोग घर में एक साथ देसी हिप हॉप सुन रहे थे, वो भी आईपीएल में। भाई किसने इमेजिन किया था कभी ऐसा भी होगा देसी हिप हॉप में, अब हो रहा है, देसी हिप हॉप इज नाउ मेनस्ट्रीम। ओके, ये तो बात हो गई कल के परफॉर्मेंस की, पर क्या तुम लोगों को पता है कि पास्ट में हमें आईपीएल में कौन कौन से रैपर और सिंगर देखने को मिले हैं? मिड शो तो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, बट आईपीएल में ओपनिंग सेरेमनी का जो सिलसिला है ना, वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, और हमें बहुत सारे इंटरनेशनल वेस्टर्न सेलिब्रिटी और इंडियन सेलिब्रिटी देखने को मिले हैं आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में, तो हम एक नजर उस पे भी डाल लेते हैं। सो 2012 के आईपीएल में पहली बार किसी वेस्टर्न सेलिब्रिटी को बुलाया गया था, और पहली बार इंडिया में आई थी केटी पेरी, जिन्होंने आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया था। इसके बाद अगले साल ही 2013 में फिर एक इंटरनेशनल रैपर जिनका नाम है पिटबुल, और पिटबुल उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, उनके मल्टीपल ट्रैक्स वायरल थे और मल्टीपल ट्रैक्स लोग सुना भी करते थे इंडिया में, ठीक है, मतलब उस टाइम पे उनका बज था, वो अच्छा खासा था, और मुझे अभी भी याद है कि वो कोलकाता में ईडन गार्डन में आईपीएल था, पूरा स्टेडियम पैक था, और पिटबुल ने पूरे स्टेडियम के सामने परफॉर्म किया था, दैट वाज रियली आइकॉनिक परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें आईपीएल 2016 की ओपनिंग सेरेमनी के बारे में, तो 2016 में हमें मेजर लीजर देखने को मिले थे। इसके साथ साथ यो हनी सिंह ने भी इस ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया था, और कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। अगर हम बात करें 2017 के आईपीएल की, तो भाई थोड़ा सा लगता है बीसीसीआई का पैसा जो है वो कम हो गया था, या फिर पता नहीं क्या हुआ बीसीसीआई को, बीसीसीआई ने वेस्टर्न सेलिब्रिटी को बुलाना बंद कर दिया और सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटी से ही काम चलाने लग गए, और हमें एमी जैक्सन, टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी परफॉर्म करते हुए नजर आए इस ओपनिंग सेरेमनी में। और अगर तुम आईपीएल बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि किसी किसी सीजन में तो ओपनिंग सेरेमनी होता ही नहीं था। इस सीजन से पहले लगातार 4 साल हमें कोई भी ओपनिंग सेरेमनी देखने को नहीं मिला था। कुछ साल तो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, बट इस साल 2023 में
हमें ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिला। हमें इंडियन सेलिब्रिटी जैसे कि अरिजीत सिंह और कुछ बॉलीवुड एक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। और अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की 2023 के, तो उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डिवाइन और क्या बोलते हैं जुनिता गांधी और किंग जैसे आर्टिस्ट हमें देखने को मिले। ओके, सो दिस वाज इट। दिस इज हाउ किंग एंड डिवाइन मेड द होल DHH प्राउड बाय परफॉर्मिंग इन IPL फाइनल। ठीक है, और तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या हमें और भी हिप हॉप आर्टिस्ट और भी कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं वो सब देखने को मिल सकते हैं इन बड़े परफॉर्मेंस में जैसे IPL हो गया। ठीक है भाई, IPL से बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट तो इंडिया में कोई है ही नहीं, और IPL में परफॉर्म करना दिस इज अ बिग डील भाई, बिग W फॉर DHH। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। सो मतलब तुम लोगों को कैसा लगा, तुम्हारी क्या ओपिनियन है डिवाइन और किंग को परफॉर्म करते हुए देख के IPL में, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो डालते रहता हूँ तो उसको भी चेक करना, और ऐसे ही सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।